सचिन के प्यार में सीमा पार कर भारत आई सीमा हैदर के मामले पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। यूपी एटीएस ने सीमा हैदर से लगातार 3 दिन पूछताछ की। पूछताछ के दौरान सीमा से उसके पासपोर्ट, भारत आने के रूट और उसके मददगारों को लेकर सवाल किए गए। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति से सीमा को भारतीय नागरिकता देने की मांग की गई है। एटीएस के पूछताछ के बाद टाइम्स नाउ नवभारत ने सीमा हैदर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सीमा ने हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। सबसे अहम सवाल सीमा के पासपोर्ट को लेकर था। नवभारत ने सीमा से जब इसके बारे में सवाल किया तो सीमा का जवाब सुनिए। आपके पास 6 पासपोर्ट की जरूरत क्यों? एक फोन टूटता है, वो भी पाकिस्तान वाला। वो अब नहीं टूटा सर, वो अब नहीं टूटा। वो टूटा था साल पहले, रीनो 6 उस फोन का नाम है। जो अब टूटा था वो मेरी छोटी बेटी का था, उससे गिर गया था। जहाँ हम रह रहे थे किराए पे, वहाँ एक जाली सी बनी, उससे गिर गया था नीचे। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वहीं पड़े हुए हैं। जो भी होगा जाहिर हो जाएगा सर। और पासपोर्ट की बात, अगर आप जाओगे कहीं तो जरूर आपकी फैमिली साथ में, उसके पासपोर्ट भी चाहिए होंगे ना। 6 पासपोर्ट किसके किसके हैं? 4 मेरे बच्चों के थे, 1 मेरा, और 1 मेरा जो खारिज हो चुका था पासपोर्ट। मतलब पहले नाम सिर्फ सीमा था, ना गुलाम, ना अली, ना कोई लकब नहीं था नाम के आगे पीछे, जैसे निकनेम कहते हैं। सीमा से जब अवैध तरीके से भारत में आने के बारे में नवभारत ने पूछा तो उनका जवाब सुनिए। एक सवाल है कि अगर मामला सिर्फ प्यार का था और आप सिर्फ सचिन के लिए आई तो गलत इलीगल तरीके से क्यों? पहले दुबई, फिर नेपाल, नेपाल से गलत तरीके से हिंदुस्तान में। सर मैं गलत सिर्फ एक ही मेरा गुनाह है, नेपाल से भारत आना। तो वीजा आप ले सकती? नहीं मिला, कोशिश करी, ऐसा नहीं। आपने अप्लाई किया था? पहले तो मैंने पहले नेपाल का तो सोचा ही नहीं था। आपने वीजा अप्लाई करा था? सीमा हैदर का मामला अब जांच एजेंसियों के पास है। जांच के बाद ये तय होगा कि सीमा को सीमा मीना बनकर नई पहचान मिलेगी या उन्हें पाकिस्तान वापस जाना होगा।